ओके गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उसके राइट साइड में जो बेल आइकन है इसे भी प्लीज़ ज़रा इनेबल करें ताकि आप लोग देख पाए मेरे नए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। Hey guys, welcome back to my channel. This is Saifu, your friend, and you watching Cube Tech. तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपने दोस्तों के साथ एप्स और गेम्स शेयर कर सकते हो, भी व्हाट्सएप के साथ। आज ही दोस्तों, ये व्हाट्सएप का न्यू ऑफिशियल अपडेट है, एकदम ऑफिशियल अपडेट है। ये कोई रीनेम वाला ट्रिक नहीं है दोस्तों, जो कि आप पहले यूट्यूब पर देख चुके हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है जो कि कुछ दिनों बाद आने वाला है। तो आप अगर ये अपडेट पहले से ही यूज़ करना चाहते हैं दूसरे लोगों से पहले, तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो ट्रिक है, आप ये ट्रिक यूज़ करना चाहते हो तो इस मेरे इस वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि आप अगर नहीं देखेंगे, थोड़ा अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपडेट है बीटा वर्जन में है फिलहाल। तो इसमें एक बग्स है, तो इस बग्स को फिक्स करने का तरीका भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। तो नॉर्मली जब आप अपने व्हाट्सएप में जाते हैं तो यहाँ पर आप सिक्स ऑप्शन ही मिलता है, कोई ऐप सेंड का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप अगर चाहते हैं ऐप सेंड का ऑप्शन अपने व्हाट्सएप में आ जाए, तो आपको पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको व्हाट्सएप मैसेंजर टाइप करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप मैसेंजर टाइप किया, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपडेट दिखा रहा है जो कि आपके मोबाइल पर नहीं दिखाएगा। आप अगर न्यू अपडेट इंस्टॉल करके भी रखेंगे तो भी नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा आएगा बीका में बीटा टेस्टर, और यहाँ पर लीप की जगह लिखा आएगा ज्वाइन। तो आप जब ज्वाइन में टैप करेंगे तो 15 मिनट्स बाद या कुछ सेकंड्स बाद, कुछ टाइम बाद आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आप अपडेट करा लेंगे तो आपका जो व्हाट्सअप है वो अपडेट हो जाएगा फुल्ली न्यू वर्जन में। तो आपको पहले से ही आपका जो एप्लीकेशन है उसको बैकअप कर लेना है जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ES फाइल ब्राउज़र एक्सप्लोरर, तो इससे आप बहुत आसानी से आपको किसी भी एप्लीकेशन को बैकअप कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है। तो आपको बस इस एप्लीकेशन को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद आपको यहाँ पर दिखा के ऐप्स, तो आपको ऐप्स में टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद आपको सभी इंस्टॉल्ड ऐप और जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड ऐप्स है सभी दिखाई देगा। यहाँ पर आप टैप करेंगे लॉन्ग प्रेस करके तो नीचे लिखा आएगा बैकअप। तो मैंने पहले से एक एप्लीकेशन का बैकअप करके रखा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकअप फोल्डर में, यहाँ पर ऐप्स में एक एस्फल्ट 8 जो गेम का एपीके है उसको मैं बैकअप करके रखा हूँ। तो आप इसको मैं कैसे सेंड करूँगा आप देखिए। तो हमें ये मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट है, दूसरा कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मैंने अटैच के बटन पर जब टैप करूँगा तो यही सिक्स ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक न्यू अपडेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स में। आप देखेंगे ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स, तो लिखा हुआ है ब्राउज अदर डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप जब टैप करेंगे तो पहले आपको सिर्फ अदर डॉक्यूमेंट्स से आप शेयर कर पा रहे थे, लेकिन अब इस अपडेट के बाद आप यहाँ पर ऐप्स भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ऐप्स भी शेयर कर सकते हैं एपीके फॉर्मेट में, ना कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो जब आप एपीके को सेंड करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है सेंड एस्फल एड एयरबोन, देख सकते हैं एपीके टू साइफर। तो यहाँ पर मैंने सेंड में टैप किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं एपीके फॉर्मेट में मेरा जो ऐप्स है यह सेंड हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल वे है दोस्तों, इसमें आपको कोई रीनेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लिखा ही आ रहा है इसका फॉर्मेट एपीके। तो आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे ट्रिक अवेलेबल है जो कि आपको रीनेम करके सेंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई रीनेम करना नहीं, बस आप एपीके को सिलेक्ट करिए और सेंड करिए। तो और उस दूसरे मोबाइल में जब ये अपडेट वाला वर्जन इंस्टॉल होगा तो उसके पास भी ये सेम एपीके फॉर्मेट में जाएगा, उसको भी कोई रीनेम करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मेरे दूसरे मोबाइल पर आ गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माई जियो 2 मेरा दूसरा नंबर है, तो ये मेरा मोबाइल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है, इसमें मैं पहले एक एप्लीकेशन सेंड करके टेस्ट किया था यूसी न्यूज़ वाला एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी एस्फल्ट 8 को सेंड किया, तो यहाँ पर दिखा रहा है एपीके फॉर्मेट में 46 MB का। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो आपका जो डाउनलोड स्पीड है वो भी बहुत जल्दी होगा नॉर्मल स्पीड से पहले से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड होगा, लेकिन दोस्तों जब आपका डाउनलोड हो जाए तो तभी ये जो ऐप है यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि यही एक बग्स है जो इस एप्लीकेशन में बग है। तो इसको आप कैसे फिक्स करेंगे, तो जब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो आप जब टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिखे आएगा, तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं है जो इसको रन करा सके, तो आप इसमें टैप करेंगे तो नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ फाइल मैनेजर जाना पड़ेगा, आपका जो फाइल ब्राउज़र है एकदम ईजी था मेथड है। तो यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद व्हाट्सएप में जाएंगे, व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर दिखाएगा मीडिया,
मीडिया के बाद आपको दिखाएगा जो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया था अपने फ्रेंड्स से जो आपने शेयर किया था, जो कोई भी आपको शेयर करेगा तो एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड होगा, तो यहाँ से आप आसानी से इंस्टॉल कर सकेंगे। तो ये बहुत ही न्यू ट्रिक है दोस्तों, ये सभी के मोबाइल में नहीं है। आप व्हाट्सएप को जितना भी अपडेट करा लीजिए आपको ये नहीं मिलेगा, आप जब बीटा टेस्टर में इंटर करेंगे तो तभी आपको ये मिलेगा। तो आपको अगर ये ट्रिक अच्छा लगता है तो ये ट्रिक जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितने के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसके साथ शेयर करिए, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए मेरे वीडियो कैसा लग रहा है आपको और फ्यूचर में किस तरह के ऐसे वीडियो आपको देखना है उसके लिए भी आप कमेंट करिए। तो और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की से रोज़ाना वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो कि बहुत कूल टैक्स वीडियोस होता है, तो आप उन्हें मिस कर रहे हैं। तो आप अगर नहीं चाहते इस वीडियो को मिस करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से एक और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पीस आउट।